ये देखो सारी बाहर आ रही है टच स्क्रीन, ये देखो कैसा गैप है भाई फिट एंड फिनिश में। क्लैडिंग निकली हुई है गाड़ी में, अभी कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ है, और खुल रहा है तो ये देखो आवाज आ रही होगी आपको आवाज। हेलो गाइस, वेलकम टू ऑटो एक्सपी, मेरा नाम है राहुल बाटी, और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस, आज जो हम आपको ओनरशिप एक्सपीरियंस दिलाने वाला हूँ निसान मैगनाइट का, ये गाड़ी जो है करीब एक साल पहले ली थी, एक साल से ज्यादा ही टाइम पीरियड हो गया। और भाई ये हमारे भाई हैं, मेरे मौसी के बेटे हैं रोहित भैया, इनकी गाड़ी है। तो भैया कितने किलोमीटर चला दी है गाड़ी? भैया ये चल गई 11,000। अच्छा, तो कैसी है इसकी ओनरशिप कैसी है? भैया मैं तो ये कहूंगा सबसे बेकार गाड़ी जो भी है ना, हाँ, निसान वाड़ो की सबसे बेकार गाड़ी यही है। अच्छा, कैसे कैसे परेशान हो इस गाड़ी से? देखो जी, इससे पहले मेरे पास डिजायर थी, हाँ, डिजायर के बाद फिर मैंने ये ली थी, हाँ। अब बोलते हैं पेट्रोल में अच्छा पिकअप होता है, अच्छी दौड़ती है, अच्छी भागती है, हाँ। इसमें तो ना तो प्रेशर है ना पिकअप है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी एवरेज सिर्फ 10 बार एक ही है, ये अच्छा फालतू एवरेज नहीं है इसकी। पेट्रोल पे चाहे सिटी में चला लो चाहे हाईवे पे, हाँ कहीं भी चला लो 10-11 की एवरेज है बस इसकी। और ये डोर पर देख लो भाई, ये क्लैडिंग निकली हुई है गाड़ी में, अभी कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ है, क्लैडिंग अपने आप निकल गई। और ये चीज देखो, मैं डोर खोल रहा हूँ, इससे ज्यादा डोर खुल नहीं रहा, और खुल रहा है तो ये देखो आवाज आ रही होगी आपको आवाज, जैसे पता नहीं इसका एक्सीडेंट कर दिया हो क्या कर दिया हो। ये देखो यहाँ लग रही है, ये पूरी की पूरी इसमें लग रही है, पता नहीं कहाँ अंदर से इसमें से आवाज आ रही है। तो बाकी सर्विस वगैरह कितने की है इसकी? एक सर्विस तो होगी होगी इसकी बड़ी, जो सर्विस होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, इसका सर्विस सेंटर अपने फरीदाबाद बल्लड़ में नहीं है, दिल्ली ले जाना पड़ता है, पूरा दिन खराब होता है, ड्यूटी टाइम ड्यूटी को छोड़कर यहाँ से जाना पड़ता है, सबसे दिक्कत तो यही है। तो मतलब सर्विस सेंटर ही नहीं है, शोरूम तो है शायद इनका फरीदाबाद में? शोरूम है फरीदाबाद में, लेकिन सर्विस सेंटर अभी इसका है नहीं, नहीं बल्लेवड़ में है, नहीं फरीदाबाद में। तो फिर वहाँ बदरपुर बॉर्डर होती होगी, बदरपुर बॉर्डर से आगे ओखला में इसका शोरूम मेरे हिसाब से, ये दिल्ली जाती है गाड़ी। अच्छा, वहीं जाके इसकी सर्विस होती है? हाँ, या तो एजेंसी वालों भेजेंगे पिकअप करने के लिए, उनको 300 रुपए दो, हाँ, और उनके बाद या फिर खुद ले जाओ। अच्छा, तो मतलब दिन खराब होता है एक सर्विस, दिन खराब होता है। तो कितने रुपए की सर्विस हुई भैया इसकी? इसके ऐसा मैंने पैकेज लिया था इसका, हाँ, करीबन 3,000-4,000 रुपए का, अभी तो इसके 2024 तक सर्विस है। तो कितने अभी मतलब कोई पैसा नहीं दे रहे सर्विस को? पैसा नहीं दिया, इसमें जो छोटी मोटी चीज थी वो 1,500 रुपए खर्चा आया था इसमें, अलाइनमेंट वगैरह जो होती है, हाँ, वो कराए थे। अच्छा, तो उसका सब मतलब 1,500 रुपए का वो खर्चा आया होगा, वो खर्चा आया। और भी है कोई हाँ, आप गाड़ी से परेशान कैसे हो बताओ? एक तो एवरेज हो गई, सबसे बड़ी तो एवरेज, हाँ, और दूसरी इसका सर्विस सेंटर नहीं है यहाँ पे। अच्छा, और तीसरी बात इसको इसको चलाने में मजे नहीं आता, इसमें कोई पिकअप नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो डीजल स्विफ्ट जो थी वो तो शायद से आपकी डीजल में थी, शायद से वो डीजल में थी, उसका तो पंजा धरते ही सू जाती थी वो तो। अच्छा, ये इसमें कुछ है ही नहीं? इसमें कुछ भी नहीं है, इसकी जो इसका जो सिस्टम है वो भी कई बार रिपेयर करवा लिया, सेंट्रल लॉकिंग भी इसकी कई बार रिपेयर करवा ली। तो ये पार्ट जो है भैया मिस कर गए थे। अब मैंने जैसे देखा भाई, ये डोर देख लो आप, एक साल हुआ गाड़ी को, अभी किस तरीके की आवाज आ रही है। टच स्क्रीन देख लो भाई, ये देखो सारी बाहर आ रही है टच स्क्रीन, ये देखो मूवमेंट कर रही है। और यहाँ ये अभी ठीक किया है, ये भी इसका नट सही तरीके से लग रहा था, और कितना टाइट खुल रहा बस हमें पता इस टाइम पे। तो ये देखो कैसा गैप है भाई फिट एंड फिनिश में गाड़ी के में। अब बताओ ना, करे तो करे क्या निशान की गाड़ी होगा? म्यूजिक सिस्टम वगैरह रिपेयर करा लिया? रिपेयर करा लिया, एक बार तो नया भी धरवा लिया, फिर भी इसमें प्रॉब्लम है। कंपनी से ही? कंपनी से ही। तो उन्होंने पैसे लिए थे या फ्री में करके दिया? फ्री में करके गए थे, लेकिन वो परेशान वाली बात है कि परेशान किया था उन्होंने। अच्छा, तो और सेंटर लॉकिंग भी खराब होली इसकी? लॉकिंग इसकी कई बार खराब होली। कई बार? कई बार, कम से कम 4-5 बार खराब होली। कंपनी फिटेड इसकी वो थी सेंटर लॉकिंग। अच्छा, तो मॉडल तो शायद से टॉप है मेरे हिसाब से, टॉप है या उससे नीचे है? नीचे वाला है, मैंने अलग से लगवाई सेंटर लॉकिंग कंपनी से ही। तो कंपनी से एसेसरीज के पार्ट में लगवाई थी? एसेसरीज के पार्ट में लगाया, इसकी एसेसरीज पर ही थी मुझे 90,000 रुपए की। अच्छा, 90,000 की अलॉय व्हील शायद से? सिस्टम है, मैट है। अच्छा, वो सब कंपनी से करवाया? तो फिर भी ये दिक्कत है यहाँ, मतलब भैया हमारी भाई बेटी है हमारी, ये काव्या ये अपना खेल रही है। तो ये तो हो गई इसकी, कोई अच्छी भी बात अभी है इस गाड़ी में? नहीं है भैया, कोई भी अच्छी बात जो लेगा वो पछताएगा, सो बात की एक बात। अब मतलब क्या प्लान है इस गाड़ी का, इसे एक्सचेंज करोगे किसी गाड़ी के साथ या क्या है? ऐसा है, मैं तो इसको बेचने की सोच रहा हूँ, अच्छे दाम मिल जाए इसके तो मैं तो इसको बेच के ना दूसरी गाड़ी लेकर आऊंगा। तो भाई अब देख लो ओनर कैसे परेशान है निसान मैगनाइट से। तो भैया जैसे आपने डिजायर चलाई थी, तो डिजायर की सर्विस वगैरह वो तो मेरे हिसाब से जल्दी थी सब चीज, सर्विस वगैरह डिजायर की तो? हाँ, वो तो 2-3 घंटे में सर्विस करके दे देते थे।
तो भाई यही फर्क होता है एक निशान जब इंसान गाड़ी चलाता है निशान की और वहीं जब गाड़ी चलाता है मारुति की। तो इसीलिए ना लोग प्रेफर करते हैं कि हम मारुति ले लें और मारुति से अपना काम चलाएं बढ़िया, क्योंकि मारुति की एक तो सर्विस सेंटर हर जगह, दूसरा एवरेज भी मारुति की गाड़ी की ज़्यादा अच्छी है। बट भाई जो एक चीज़ इसमें अच्छी है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है निशान मैग्नाइट की, इसको 5 या 4 स्टार की रेटिंग है जो मुझे पता है। तो भैया और बताओ गाड़ी के बारे में। हाँ, इसमें बस ये जो सेफ्टी रेटिंग है वो 4-5 की है, 4-5 स्टार की रेटिंग है। बॉडी हेल्थ भी अच्छी है, मतलब बॉडी हैवी है गाड़ी की। अच्छा ये बताओ, जैसे आपने तेज वेज चलाई हो कभी, कोई अनबैलेंसिंग वगैरह कुछ है? नहीं ऐसा है, आपने जैसे पुरानी वैगन नहीं आई थी, हाँ थोड़ा सा झोल सी लेती थी, हाँ स्कियो में, हाँ इसको झोल से लेता है ऐसा लगता है जैसे कि ये पलटी। अच्छा रोल, बॉडी रोल है इसमें? हाँ इसमें इसका ये बॉडी रोल है। अच्छा तो मतलब नहीं है, मतलब वो वहाँ भी चलाने मजा नहीं है? नहीं, नहीं, नहीं। आपने बता दी जैसी भी है, और कुछ जो आपको बताना हो जो ओनर अगर मतलब कोई गाड़ी सोच रहा हो लेने की निशान मैग्नाइट, तो आप तो मेरे हिसाब से मना ही करोगे कि नहीं? तो मना करूंगा, 100% मना करूंगा, इससे बढ़िया तो वैगनर ले लो नई वाली। अच्छा ये मतलब है, अल्टो ले लो 800 बढ़िया तो, पर ये मतलब। तो और कोई चीज भैया जो आपको अच्छी लगती है, सीट वगैरह कैसी है इसकी? हाँ सीट वगैरह तो अच्छी। अच्छा स्पेस जो है वो अच्छा है? हाँ इसका स्पेस अच्छा है, इसकी जो डिग्गी है वो भी अच्छी है। अच्छा बूट स्पेस जो ठीक है वो भी इसका अच्छा है। बस एक वैगनर से इस चीज में जीत जाती है। हाँ बस इस चीज से जीत जाती है बस। अच्छा तो भैया 11,000 किलोमीटर अब तक तो मतलब आपके लिए बेकार रहा है लेना इस गाड़ी को, पैसा बेकार। आप 9 लाख रुपए की बैठी होगी मेरे हिसाब से, 8-9 लाख रुपए की बैठी थी, तो सब मतलब पैसा बेकार हो गया जो पैसा बेकार। तो भैया आप कैसे करें बताओ अब गाड़ी? भैया मैंने इसकी बातें भी की थी एवरेज को लेकर एजेंसी में, उसने बोला कि एक सर्विस के बाद खुल जाएगी, हो जाएगी 15-16-17 हो जाएगी जो भी है। हाँ। लेकिन इसकी एवरेज मैंने हाईवे पर चलाई थी 150 किलोमीटर कंटिन्यू, लेकिन इसके 13-13.5 फालतू एवरेज मिल गई। अच्छा 13.5 फालतू नहीं गई, फालतू एवरेज नहीं गई। अब लो भाई देख लो, अब कंपनी क्लेम करती है 18-19 किलोमीटर पर लीटर की, और यहाँ जो ओनर बता रहे हैं कि भैया 13-14 से तो ऊपर चाहे कुछ हो जाए हाईवे पर चला लो कहीं चला लो आई नहीं रही, और फर्स्ट सर्विस भी करा ली उसके बाद भी एवरेज नहीं बढ़ रही गाड़ी की। तो अब बताओ ओनर करेगा? तो भैया कम से कम 1 लाख रुपए का तेल तो गिरवा दिया होगा इसमें अब तक। हाँ एक साल में कम से कम 1.5 लाख रुपया 1.25 लाख रुपए का तेल तो फूक चुका है इसमें फिलहाल। और भाई मैंने सुना है कि निशान मैग्नाइट में CNG भी जो अगर आप बाहर से लगवाते हो वो कामयाब नहीं है, तो अब इसमें CNG भी ऐसे नहीं लग सकती मेरे हिसाब से। सोचा तो ऐसे था कि अगर BS6 गाड़ी में CNG का अप्रूवल आ जाता है तो CNG एक बार चढ़ावा के देख लेते हैं। हाँ अगर इसमें कामयाब हो जाते ठीक है, ना तो फिर देखनी तो पड़ेगी। तो भैया देख लो, अगर किसी को लेनी हो तो भाई ले सकते हो, 11,000 किलोमीटर चली हुई है, ओनर परेशान है। बट अगर किसी के मन में है कि भाई निशान मैग्नाइट ही चाहिए, मैं वीडियो में वो डाल देना कमेंट और मैं देख लूंगा। तो भाई ये था निशान मैग्नाइट का ओनरशिप एक्सपीरियंस, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। होप यू गाइस हैव एंजॉयड माय वीडियो।